सर मेरा नाम राहुल खत्री है। सर मैं बाहर भी टीचर था, बच्चों को पढ़ाता था ट्यूशन। जब से भानु सर की क्लास अटेंड करी है तब से इन्होंने सारे विचार बदल दिए हमारे, और मैं ये मतलब सुन कर के दंग रह गया कि मैं जो सोचता था वो वैसा कुछ भी नहीं है। भानु सर ने हमें दुख के बारे में बताया कि दुख तीन तरह के होते हैं, समझ, संबंध और सुविधा। केवल सुविधा से संबंध सही नहीं हो सकते हैं, जबकि मैं समझता था कि सुविधा अगर देते जाएँ तो संबंध उठता कि काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। इन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, संबंध और सुविधा में अगर कंपेयर करा जाए तो संबंध ठीक होना बहुत ज़रूरी है। सुविधा नंबर दो पे है, संबंध के लिए सुविधा हो इसलिए दोनों ज़रूरी है। ये बात बहुत अच्छी लगी हमें, संबंध के लिए सुविधा हो इसलिए दोनों ज़रूरी हैं। समझ, संबंध और सुविधा, ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। संबंध की निरंतरता जो है वो भाव पर होती है। इस तरह उन्होंने हमारे विचारों को बदला। उसके बाद अगली चीज़ हमें अच्छी लगी उनकी, सर ने हमें लक्ष्य के बारे में बताया कि लक्ष्य आखिर होता क्या है। उन्होंने हमको उसकी परिभाषा दी है, सुख समृद्धि की निरंतरता ही हमारा लक्ष्य है, और लक्ष्य के आधार पर हम और दूसरे दोनों एक ही हैं। और उसके बाद सर ने हमको बताया सम्मान, योग्यता और भेद के बारे में। कोई भी व्यक्ति चाहे जितना छोटा हो या बड़ा हो, उसका सही सही आकलन करना ही सम्मान है, जबकि हम ऐसा नहीं समझते थे। अधिक आकलन करने से व्यक्ति में अहंकार आ जाता है, कम और अन्यथा आकलन करने से व्यक्ति अवसाद और डिप्रेशन में आ जाता है। और सर हमारे व्यवहार में इससे चेंजेस भी आया योग्यता में। सर ने योग्यता के बारे में बताया कि योग्यता के बारे में बताया कि मेरी और दूसरे की योग्यता में अंतर हो सकता है। अगर मेरी योग्यता दूसरे की योग्यता से अधिक है तो मैं उससे सहयोग लेकर अपनी योग्यता बढ़ाऊँगा। अगर दूसरे की योग्यता मेरी योग्यता से कम है तो मैं उसके साथ जिम्मेदारी से जीऊँगा या जीना सुनिश्चित करूँगा, फिर उसकी योग्यता को बढ़ाने में सहयोग करूँगा। धन्यवाद।